हाय रिबन दोस्तों, मैं आपको फ्रेंड एमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले बेसिक से सीखें लास्ट तक। देखिए यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है ना। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे कमेंट कीजिए दोस्तों। ऐसा अगर क्वेश्चन मिले बेसिक से सीखेंगे लास्ट तक सीखेंगे बात है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आप सामने आया तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे है ना। और अगर आपको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए वेरी इजी ट्रिक है। देखिए ए और बी कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेना, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 चौक 60, 15 दोनों 30, 30 होगा। एक छोटी इकाई लेना जिसमें दोनों का भाग जाता हो, छोटी इकाई लेना जिसमें दोनों का भाग जाता हो। 10 का भी भाग जा रहा है, 10 तीस 30, 15 दोनों 30, दोनों का भाग जा रहा है। यहाँ आएगी इसकी इफिशियंसी, 10 दुनी 20 और 15 दुना 10 तिया 30 और 15 दुना 30, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। 5 इसी 5 का भाग 30 में लगा देंगे तो 5 छ 30 बराबर 6 दिन में काम को पूरा हो। आयोग के सामने आ गया हो। अब अगला क्वेश्चन आता है ए बी सी, तीन मित्र अगर हैं तो कैसे करेंगे। देखिए देखिए ये 12 दिन में करता है किसी काम को और बी उसको 15 दिन में करता है और सी उसको 20 दिन में करता है। तो अब पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए देखिए तीनों का अपन एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 12 15 और 20, देखो 20 दो 40 तो होता ही नहीं, 20 तीस 60, 60 में तीनों को भाग जा रहा है, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तीस 60, इनको जोड़ लेते हैं, 5 ने 4 9 3 12, इसकी जो एफिशिएंसी क्या हुई 12। तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 12 काम करते हैं। ये एक दिन में 5 काम करता है, कुल काम हो गए 60। 60 को बोलते कुल कार्य, क्या बोलते इसको, कुल कार्य, कुल कार्य है ना। तो 12 का 60 में भाग लगा दो, 12 एकम 12, 12 बन जाए 60, 5 दिन में काम को पूरा हो जाए। आयोग के सामने आ गया है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, अब दो मित्र एक साथ मिल जाते हैं, दो दो जने एक एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी, अभी तो मैंने एक एक का बताया, अब दो दो का बताऊंगा। देखो कि ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करता है और बी प्लस सी दूसरा आदमी है जो वो 18 दिन में करता है किसी काम को, और ए प्लस सी ये करता है 21 दिन में, ये करता है 20 दिन, ठीक है।
तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब आपको सही नहीं मालूम पड़ रहा है, जैसे 15 से नहीं मालूम पड़ रहा, 20 से नहीं मालूम, 18 से मालूम पड़ रहा है, तो फिर अपन इसका अलग निकाल के एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 15, 18, 20 का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 18 × 5 = 20, फिर 2 से काटेंगे 3, 2 × 18 = 2, 2 = 4, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 2, तो 5 × 10 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 3 = 90, 9 × 18 = 180, कितना रहा एलसीएम, 180 आ रहा है। देखते हैं स्टोर करके देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 180। अब 15 तो कितना आएगा, 12, 15 × 15 = 30, 15 × 5 = 30, 15 × 30, ठीक है, 18 × 3 = 180 और 20 × 9, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों कि a+b+c, लेकिन ये दो बार आ रहा है, एक ए और एक ए दो हो गया, बी से बी दो हो गया और सी से सी दो, तो 2 कॉमन आ गया, ध्यान रखना। 9 × 2 = 11 सिरा 1, 2 × 3 = 31/2, ये 2 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और इसका भाग इसमें लगाएंगे अपन, 180/31 × 2/1, तो कटेगा नहीं, अब भाग लगाएंगे 18 × 2 = 36, 360 × 31 का भाग लगाएंगे, 31 से कम 31, 5 / 1 और फिर 31 से कम 31, तो 11 से ही 20/31 दिन, ये इसका काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगला देखते हैं। अब ये किसी काम को मान ले कि 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को 6 दिन में करता है, लेकिन अब क्या होता है कि ये जो है, अब देखते हैं काम छोड़ के जाने वाला क्वेश्चन, इसके एलसीएम लेते हैं तो 30 × 12 = 10 × 20 = 30 = 40 = 60 = 70 = 80 अलग निकालो, 6 और 10, 2 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, अब 2 × 8 = 24, 5 = 120, 120 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। कुल कार्य अपने पास हो गए 120, ये हो गए कुल कार्य, यानी कि कुल काम कितने हैं, 120 कार्य उसके, ठीक। अब देखते हैं एक की एफिशिएंसी कितनी निकलती है, 15 × 8 = 120, 10 × 12 = 120, 12 × 6 = 20, ये एक दिन में 20 काम करता है, ये एक दिन में 12 ही काम करता है, ये 15 काम करता है। अब तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, तीनों मिलके काम को शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है, काम को शुरू करते हैं लेकिन क्या होता है कि ये वाला अपने ये को ही गायब करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला 4 दिन काम करता है,
कितने दिन काम करता है? 4 दिन काम करके वो चला जाता है। 2, 3 कुछ भी मान लो, ये अगर 4 दिन काम करके चला जाता है, कितने काम करता है? 4 दिन काम करता है। तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया? देखो एक दिन में कितना काम होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो 5, एक साथ काम करते हैं तो 5 × 2 = 7, 1, 2, 2, 4 47 काम एक दिन में करते हैं लोग। लेकिन पहले तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे, इन्हें काम किया, ए 4 दिन काम करके चला जाता है, फिर शेष काम को बी और सी ने किया, यूँ कहना मतलब। देखो तो ए ने कितना दिन काम किया? 15 × 4 = 60 दिन काम किया, तो इसमें 60 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 60 बचेंगे, ठीक है। अब 60 काम करेंगे, अब 60 कार्य को बी और फिर बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे ये देखना मतलब, ठीक है। तो बी और सी का कितना है? 2 और 3 = 32, तो 60/32, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16 = 15, तो 15 × 8, तो 8 × 8 = 7/8 दिन, 1 से 8 = 7/8 दिन, ये इसका राइट आंसर है। 1 से 8 / 7/8 दिन में काम को पूरा कर लेगा, क्योंकि ये 4 दिन काम करके चला जाता है, शेष काम को बी और सी ने पूरा किया, ठीक है। आई होप कि सुनने आ गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।